स्टूडेंट्स आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax plus by plus c is equal to zero। यहां पर a b एंड c क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, बट x एंड y क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बट आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सभी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो चलिए वेलकम करते हैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल माई ऑनलाइन मैथ पर। पेयर का मीनिंग क्या होता है, पेयर का मीनिंग होता है टू। अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, दैट इज नोन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जैसे हमारे पास जनरल फॉर्म थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ax plus by plus c is equal to zero, बट ये इक्वेशन एक है, हमने इक्वेशन लिखनी है टू, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम जनरल फॉर्म लिखने जा रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास होती है a1x plus b1y plus c1 is equal to zero and a2x plus b2y plus c2 is equal to zero। हमने यहां पर दो लीनियर इक्वेशन लिखी हैं टू वेरिएबल्स में, ठीक है। और हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बट मैंने नेम अलग से लिया है a1, यहां पर a2, ठीक है, b1, b2, c1, c2। वेरिएबल्स सेम रहेंगे x, y, ठीक है। सेम वेरिएबल्स में अगर आपके पास टू इक्वेशंस हैं, ठीक है, और वेरिएबल्स कितने हैं टू, दैट इज नोन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। मान लीजिए हमारे पास है x plus y minus 6 is equal to 0 and 2x plus y minus 6 is equal to 0। तो ये हमारे पास हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप देख भी सकते हैं इसके साथ कंपेयर करके, ये जनरल फॉर्म में है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो अगर आपने a1, a2, b1, b2 सभी की वैल्यू निकालनी हो कॉन्स्टेंट्स की, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ a1 है लेकिन हमारा क्या है 1 है, इट मींस a1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और a2 की वैल्यू कितनी हो गई, x के साथ इनका a2 है हमारा क्या है 2 है, इट मींस a2 is equal to 2। ऐसे b1 is equal to कितना हो जाएगा plus 1 and b2 is equal to plus 1। सिमिलरली c1 is equal to, c1 यहाँ पर इनका है plus c1 हमारा है minus 6, इट मींस minus 6 c1 की वैल्यू है और c2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी minus 6। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सॉल्यूशन क्या होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। आपको पता है अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, अगर मान लीजिए हमारे पास वन इक्वेशन हो जस्ट, ठीक है, जैसे हम मान लें ये इक्वेशन है, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स को मैंने राइट साइड पे लिख लिया। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन है, ऑलरेडी हम नाइन्थ क्लास में डिस्कस करके हैं। मींस इसको कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, देखिए अगर आप एक्स की वैल्यू टू ले लें, वाई की वैल्यू फोर ले लें, ठीक है, तो वो भी इसका सॉल्यूशन है, बिकॉज टू प्लस फोर कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने x की वैल्यू 4 ले ली, y की वैल्यू 2 ले ली, 4 भी इसका सोल्यूशन है। कैसे, अगर यहाँ पर आप पुट करेंगे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो ये भी 6 हो जाएगा, मींस इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो एक और बता देता हूँ, 3, 3, ये भी इसका सोल्यूशन है, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, मींस इसके कितने सोल्यूशन हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हम लिख सकते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। ऐसे ही हमारे पास ये भी इक्वेशन है एक, 2x plus y इज इक्वल टू सिक्स, मैंने सिक्स को राइट साइड पे लिख लिया। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसके भी कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कौन कौन से अभी लिख लेते हैं दो तीन, तो हम जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2, 2, ये इसका सॉल्यूशन है। कैसे, अगर आप एक्स की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे एंड वाई की वैल्यू भी 2 पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6, मींस राइट साइड के इक्वल बढ़ रहा है, ठीक है, तो 2 2 इसका सॉल्यूशन है। और कौन सा सॉल्यूशन इसका हो सकता है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास 0 6 भी हो सकता है, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करें, वाई की वैल्यू 6 पुट करें, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। मींस इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट मैनी। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं
सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मींस हमने दोनों इक्वेशन का कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना है ऐसी एक्स एंड वाई की एक वैल्यू जो बोथ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हो, तो हम कैसे ढूंढेंगे? ये देखिए हमने इसके सॉल्यूशंस लिख लिए, ठीक है, इसके सॉल्यूशंस भी लिख लिए, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर सकती है? ये देखिए मैंने यहाँ पर 06 पुट किया है, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो क्या 06 इसको भी सेटिस्फाई करेगा? देखें, जी हाँ, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दें, y की वैल्यू 6 पुट कर दें, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 6। इट मींस ये जो सॉल्यूशन है 06, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको इसको भी और इसको भी। इट मींस ये क्या है? कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन है। इट मींस ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब देखिए किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो डिपेंड करता है इक्वेशंस पे, ठीक है। हो सकता है उनका एक सॉल्यूशन हो, ठीक है, मींस यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है कि कोई भी सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तो तीन ही केस हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड से। जी हाँ, यहाँ फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मेथड है, ग्राफिकल मेथड से हम इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो आपको मेरे पास वही एग्जांपल है जो हमने पहले ऑलरेडी ली थी, तो पहले आपको इनका सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे जैसे 9th क्लास में हम करते थे, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो अभी हमने फाइंड किए थे, मैंने जस्ट इनको बॉक्स में लिख लिया, ठीक है। मींस ये जो वैल्यू है इनको सेटिस्फाई कर रही है, ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन हमारी थी एक्स प्लस वाई सिक्स को मैं राइट साइड पे ले गया, इसको ये वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर रही हैं, इट मींस ये इसके सॉल्यूशंस हैं। ऐसे आपने सेकंड वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं वो फाइंड कर लेने हैं, उनको बॉक्स में लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले हमारी इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 नंबर इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? 4 2। फर्स्ट सॉल्यूशन इज 4 2, मींस x 4 y 2। तो ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। y एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, x एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज 4 2। तो x 4 कहां पे है? ये रहा। y 2 ये रहा, ठीक है। तो सॉल्यूशन कहां पे आएगा इसका? ये रहा, ये हमारे पास पॉइंट आ गया 4 2। चलिए नेक्स्ट 2 4, x कितना है? 2 y कितना है? 4, ठीक है। x 2 y 4, तो कहां पे जाएंगे हम? ये रहे 2 4। तो इनको आप मैच कर दीजिए ऐसे, कहां तक प्रोड्यूस करेंगे? कहीं तक मर्जी प्रोड्यूस कर। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट वाली इक्वेशन के क्या हैं? सॉल्यूशंस हैं, आपको पता होगा ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसके ऊपर आप इसका इक्वेशन लिख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। चलिए आप सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू 2, ये इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट, मींस 2 2। तो कहां पे आएगा ये 2 2? ये हमारे पास ये रहा 2 2। सेकंड सॉल्यूशन इज 0 6, x 0 y 6, ये रहा 0 6। इट मींस इसका सॉल्यूशन है जो हमारे पास जाएगा ऐसे, इसका ग्राफ है जो ऐसे जाएगा। इसके ऊपर भी आप इक्वेशन लिख दीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आप ध्यान से देखिए दोनों लाइंस का, जब हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो वो कहां पे कट कर रहा है? देखिए यहां पे ये कट कर रहा है कौन से पॉइंट पे? 0 6 पे, ठीक है। जे लाइन है जो वो भी 0 6 में से पास हो रही है, ऑल्सो जे लाइन भी 0 6 में से पास हो रही है। इट मीन्स यहां पर दोनों इक्वेशंस का क्या है? कॉमन सॉल्यूशन है। इट मीन्स 0 6 इज अ कॉमन सॉल्यूशन, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 6 क्या है आपका आंसर है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां से ये भी क्लियर हो जाता है कि इस लीनियर इक्वेशंस का ओनली यूनिक सॉल्यूशन है, मीन्स एक ही सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। क्या ये दोनों लाइंस आगे भी कट हो सकती हैं? जी नहीं, दो लाइन अगर कट होंगी तो वो एक पॉइंट पे ही होंगी, ठीक है। यहां पे कट हो गई है, इसके बाद ये आगे कभी भी कट नहीं होंगी, ना ही इधर कट होंगी। इट मीन्स इसका क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। देखिए आपको पता है हमारे पास दो क्वेश्चंस होती हैं, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो क्वेश्चंस हैं, तो हमारे पास ग्राफ में भी टू लाइंस आएंगी ही आएंगी, ठीक है। अब टू लाइंस की कंडीशन क्या हो सकती है ग्राफ में? फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर जाए। अब ये तो ऑब्वियस ही है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो वो जस्ट
वन पॉइंट पे ही करेंगे, ठीक है। मींस हो सकता है कि लाइंस आपकी इंटरसेक्ट हो जाए, फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है। सेकंड क्या हो सकती है, हो सकता है कि आपकी लाइंस इंटरसेक्ट ही ना हो, ठीक है। मींस आपकी लाइंस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। जी हाँ, पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। एंड थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि हो सकता है कि आपके दोनों के सॉल्यूशन सेट ना वो मैच हो जाए, मींस एक ही कॉमन लाइन आपकी बन जाए दोनों से, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब ऐसा कैसे पता चलेगा, पहले तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। पहले हम सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। क्या हम उसको पहले भी फाइंड कर सकते विदाउट सॉल्यूशन सेट फाइंड किए? जी हाँ, आप विदाउट सॉल्यूशन सेट फाइंड किए, विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए भी बता सकते हैं, मींस उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ठीक है। तो कैसे बताएंगे अभी देख लेते हैं। आपने क्या करना है, हमारे पास जर्नल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, कौन सी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अगर आप किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता करना चाहते हैं विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए, तो आपको क्या है, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू की वैल्यू चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन, अगर आपके पास ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू के, ठीक है, तो आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, लाइन्स क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। जी हाँ, जैसे हमारे पास यहां पे कर रही थी, ठीक है, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन, मींस एक ही सॉल्यूशन इस केस में एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन आपके पास होगा। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चंस पड़ी हैं, इन्हीं का मैंने यहां पर ग्राफ ड्रॉ किया था, मैंने ए वन ए टू बी वन बी टू सभी की हमने वैल्यू निकाली थी, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन ही होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास भी यूनिक सॉल्यूशन ही आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे ए वन अपॉन ए टू कितना है, ए वन अपॉन ए टू कितना हो गया, वन अपॉन टू, क्या ये इक्वल है बी वन पॉइंट बी टू के, बी वन पॉइंट बी टू इज वन पॉइंट वन, ये तो दोनों इक्वल ही नहीं है। इट मीन्स अगर ए वन पॉइंट ए टू नॉट इक्वल टू बी वन पॉइंट बी टू है, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पूछ रहे हैं कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि लाइन्स क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। बट अगर आपने सोल्यूशन फाइंड करना है, फिर आपको ग्राफिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सेकेंड कंडीशन इज, सेकेंड कंडीशन इज, हो सकता है कि आपके पास ए वन अपॉन ए टू इक्वल आ जाए बी वन अपॉन बी टू के, ठीक है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल आ जाए बी वन अपॉन बी टू के, ठीक है, ऑल्सो सी वन अपॉन सी टू के भी इक्वल आ जाए, ठीक है। देखिए, पहले अगर ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, फिर हम सी वन अपॉन सी टू को भी चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो आपके पास क्या होगी, लाइन्स की कंडीशन क्या होगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मींस दोनों लाइन का सॉल्यूशन सेट है, जो मींस एक ही लाइन बन जाएगी ग्राफ पे, ठीक है। मींस यहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये कैसे बोल दिया। देखिए, अगर दो लाइंस, दो डिफरेंट इक्वेशंस थी, ठीक है, उनकी सॉल्यूशन सेट है वो एक ही लाइन पे आ गया, मींस उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, मींस उस कॉमन लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं, वो दोनों लाइंस के सॉल्यूशंस बन रहे हैं, इट मींस उसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, बिकॉज वो लाइन का एंड तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स उस पे, जितने भी उस लाइन पे पॉइंट आएंगे, वो क्या होंगे, उसके सॉल्यूशंस। तो अगर आपके पास ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू है, तो आपकी लाइन्स क्या होंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में अगर आपके पास ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू आ जाए बी वन अपॉन बी टू के, बट नॉट इक्वल टू हो सी वन अपॉन सी टू के, ठीक है। देखिए, ये दोनों इक्वल हैं, बट थर्ड इक्वल नहीं है सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। तो इस केस में आपका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, वाई, बिकॉज इस केस में आपकी लाइन्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल लाइन्स तो आपको पता ही है कि कभी भी कट करती नहीं है, अगर दो लाइन्स कट ही नहीं करेंगी, तो फिर आप कॉमन सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। इट मींस यहां पर आपका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन। और लाइंस की कंडीशन क्या होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पैरेलल लाइंस।
देखिए यहां तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, वन सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर कोइंसिडेंट हो सकती हैं, मींस दोनों लाइंस एक ही लाइन पे आ जाएंगी, फिर क्या होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और या थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल, ये तो कट ही नहीं करेंगी, फिर क्या है नो सॉल्यूशन। और टाइप ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन का मीन, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट मीन होता है कि उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। देखिए अगर तो आपके पास ये दोनों केस हैं, फर्स्ट वाले दो केस देखिए, इनमें तो हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, मींस इन केस में हमारे पास टाइप क्या होगी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, बट एक ही केस है जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसमें हम बोलेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है इनकंसिस्टेंट। इसको अपने माइंड में फिट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है सीबीएसई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ना पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 90% चांस है कि इस टेबल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दीज वन आर कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। देखिए पहले तो आपने जस्ट यही बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, अगर तो कंसिस्टेंट हुए मींस इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हुआ, फिर तो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कैसे करेंगे, इसको जनरल फॉर्म के साथ आपको इक्वेट करना पड़ेगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। आप सिक्स को लेफ्ट साइड पे ले जाइए, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और ट्वेल्व को भी लेफ्ट साइड पे ले जाइए, ये हमारे पास हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ए वन की वैल्यू कितनी बनती है वन, इसके साथ कंपेयर करिए, ए टू की वैल्यू कितनी है टू, बी वन की वैल्यू कितनी है थ्री, बी टू की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री, सी वन की वैल्यू कितनी है माइनस सिक्स, सी टू की वैल्यू कितनी है माइनस ट्वेल्व। तो मैंने आपको बोला था पहले आपने चेक करना है ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू, अगर ये दोनों इक्वल आ गए फिर हम थर्ड कंडीशन चेक करते होते हैं, ठीक है। तो देखिए ए वन अपॉन टू ए टू कितना है हमारे पास वन अपॉन टू, और बी वन अपॉन बी टू कितना है थ्री अपॉन माइनस थ्री, क्या ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, वन अपॉन टू इज इक्वल टू, इनकी कटिंग हो जाएगी, ये माइनस वन आ गया, ये तो दोनों इक्वल ही नहीं है। इट मीन्स अगर ए वन अपॉन ए टू बी वन बी टू, बी वन अपॉन बी टू के इक्वल ही नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई फर्स्ट कंडीशन, अभी हमने टेबल में बताया था। इट मीन्स लाइन्स क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी, और सोल्यूशन क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा, मीन्स अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो ये क्या होंगे कंसिस्टेंट हो जाएंगे, मीन्स ये पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो इन्होंने बोला है कि आप इनको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाइए, मीन्स इसका सोल्यूशन भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर आपने इसको ग्राफिकली शो करना है मींस इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड, तो आपको इनके सॉल्यूशंस चाहिए, तो मैंने सॉल्यूशंस यहां पर फाइंड कर रखे हैं। सॉल्यूशंस फाइंड करना बहुत ही इजी है, नाइन्थ क्लास में हमने डिस्कस किया है, जैसे मैंने यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स डिवाइड बाय थ्री टू, ऐसे मैंने वाई को जीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स, ऐसे आपने इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेने, ठीक है। मिनिमम कितने सॉल्यूशन चाहिए टू सॉल्यूशन, बिकॉज कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम टू पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको हम ग्राफ पे शो कर देते हैं, वैसे तो जनरली यहां पे भी शो हो रहा है कि सिक्स जीरो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स ये क्या है कॉमन सॉल्यूशन है, बट इसको हम ग्राफिकली शो करेंगे कैसे, पहले इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू जीरो है वाई की वैल्यू टू, देखिए एक्स जीरो वाई टू, तो हम यहां पर आ जाएंगे, ये हमारा पॉइंट है जीरो टू। चलिए सेकंड इज सिक्स जीरो, सिक्स जीरो हमारा एक्स सिक्स वाई जीरो, ये रहा, इनको आप मैच कर दीजिए ऐसे, इनको कहां तक प्रोड्यूस कर सकते हैं यहां तक मर्जी प्रोड्यूस आप कर लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर लिख दीजिए एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। चलिए सेकंड इक्वेशन एक्स जीरो वाई माइनस फोर, एक्स जीरो वाई माइनस फोर, ये हमारा ये पॉइंट आ गया जीरो माइनस फोर। चलिए नेक्स्ट
सिक्स जीरो, एक्स सिक्स वाई जीरो, ये कॉमन पॉइंट ही आ जाएगा सिक्स जीरो। चलिए इसके साथ जब आप मैच करेंगे तो ये दोनों लाइंस हैं जो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कौन से पॉइंट पे, सिक्स जीरो पे। क्या कहीं और भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं? जी नहीं, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो ओनली वन पॉइंट पे ही करेंगी, ठीक है, या फिर वो कॉइंसिडेंट हो सकती हैं। कॉइंसिडेंट तो ये है ही नहीं है, दोनों लाइंस डिफरेंट जा रही हैं, ठीक है, थीके? तो ये इंटरसेक्ट हो चुकी हैं कौन से पॉइंट पे, सिक्स जीरो पे। इट मींस ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, मींस एक्स इज इक्वल टू सिक्स, वाई इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है इनका सॉल्यूशन है। आप चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, दोनों में पुट करिए, दोनों क्वेश्चन इससे सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ये क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जस्ट बेसिक डिस्कस किया है पेयर ऑफ इक्वेशंस का, और एक मेथड हमने डिस्कस किया ग्राफिकल मेथड। इससे आगे और भी मेथड आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपकी क्लास रिलेटेड वीडियोज हैं वो लगातार आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।